Now next one, behavior of the function calling statement may vary compiler to compiler implementation. Means different different compilers के केस में functions को call करने का sequence कैसा रहेगा may be changed. What do you mean by this point? Suppose that किसी भी particular expressions के form में अगर आपने multiple functions call किए like a function m1 plus function m2 same as plus function m3 like that. In that case, means इस केस में अगर check करें means total is within a expression. Suppose इसका result किसी variable में assign किया है within a expression total three functions call किए like a m1, m2 और m3. इस केस में सबसे पहले execution किसका हुआ m1 का और m2 और m3 का. इसे particular behavior compiler dependent है इसलिए means इस केस में किसी particular rules के according consider करना possible नहीं कि पहले m1 call हुआ या m2. We cannot say which one is called before. Means depends upon completely compiler implementations. अगर compiler implementations के according बात करें, in case of turbo C compilers के cases में अगर बात करें, सारे functions means within a expression execute होंगे based on priority of the operators. इस case में अगर highest priority की बात करें, highest priority किसका multiplication का, तो multiplication के according पहले first operand solve हुआ, then second, तो first operand के according सबसे पहले result किसका required है, result of m2. इसलिए सबसे पहले execution में किसको provide हुआ, m2 functions. Plus m2 के केस में जो भी result आएगा, result replace होने के बाद result of m2 something r2 multiply, then इसके बाद just बाद second case में call किया रहा m3, then इस place पर replace किया जाए result of m3. इन दोनों का result calculate होने बाद जब new result आएगा like a result 4, then इस new result को combine किससे कराएंगे, add किससे कराओगे, result of m1, result of m1, then इस case में finally call किया हुआ m1 function. इस sequence में देखें तो सबसे पहले chance किसको provide हो रहा है, m2 then m3 then m1. इस द फर्स्ट केस इन केस ऑफ टर्बो सी कंपाइलर फॉलोड बाय टर्बो सी. बट इन केस ऑफ बीसीसी कंपाइलर और बोरलैंड सी कंपाइलर्स के केस में अगर विद इन अ एक्सप्रेशन मल्टीपल फंक्शंस कॉल किए, देन सारे फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट मींस इस केस में प्रायोरिटी चेक नहीं करेंगे, सबसे पहले एग्जीक्यूशन किसका हुआ m1 देन m2 देन थर्ड केस में चांस किसको प्रोवाइड हो रहा है m3, रिजल्ट ऑफ m3. मींस अगर टर्बो सी कंपाइलर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग बात करें, सबसे पहले चांस किसको मिला m2 देन m3 देन m1. सीक्वेंस क्या आएगा इस केस में, m2 m3 m1. बोरलैंड सी कंपाइलर के अकॉर्डिंग सीक्वेंस क्या रहेगा, m1 m2 m3, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑपरेशंस पथ होंगे. द बेसिक बिहेवियर ऑफ फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट. इन दैट एग्जांपल इस केस में करंट एग्जांपल का आउटपुट क्या आएगा, कैन नॉट से बिकॉज डिपेंड्स अपॉन कंपाइलर टू कंपाइलर. फर्स्ट में इसके साथ टोटल थ्री फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं. फंक्शन m1, m1 के रिस्पेक्ट में सिंपली मैसेज प्रिंट हुआ m1, देन रिटर्न क्या हुआ इससे 1. सेम एज अगर m2 कॉल होता तो m2 के केस में प्रिंट क्या हुआ m2, देन रिटर्न 2. सेम एज m3. फाइनली मेन फंक्शंस के अंदर मैंने एक्सप्रेशंस के फॉर्म में थ्री फंक्शंस को कॉल कराया, m1, m2 और m3. इस प्रोग्राम के आउटपुट की बात करें, आउटपुट इन केस ऑफ टर्बो सी कंपाइलर और टीसीसी कंपाइलर, अगेन वी आर सीइंग इस केस में फंक्शन के केस में फंक्शन कॉलिंग बिहेवियर ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं. अगर आप श्योर भी हो, सपोज दैट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ कॉलिंग दिस फंक्शन और सीक्वेंस ऑफ कॉलिंग दिस फंक्शंस, देन सिंपली यू कैन से डिपेंड्स अपॉन कंपाइलर टू कंपाइलर. अगर टर्बो सी कंपाइलर यूज करो देन इस केस में सबसे पहले चांस किसको मिलेगा, m2. तो m2 के अकॉर्डिंग इससे डिस्प्ले क्या हुआ m2. m2 प्रिंट होने के जस्ट बाद रिटर्न क्या होगा 2, तो इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा 2. देन चांस किसको मिलेगा मल्टीप्लिकेशन, सॉरी m3. m3 कॉल हुआ तो m3 के अकॉर्डिंग मैसेज प्रिंट होगा इधर m3, इन प्लेस ऑफ m3 कॉलिंग रिटर्न क्या होगा 3. देन नेक्स्ट वन चांस किसको मिलेगा इस केस में m1. m1 के अकॉर्डिंग प्रिंट क्या हुआ इसे m1. m1 प्रिंट होने के बाद कॉलिंग प्लेस पर रिटर्न क्या हुआ 1. फाइनली इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6 प्लस 1 इज 7. अगर आप इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट किसी वेरिएबल में असाइन करोगे तो असाइन किया हुआ 7, लेकिन आउटपुट क्या प्रिंट होगा मैसेज m2, सॉरी m2, m3 एंड m1. दूसरा केस क्या है, इन केस ऑफ बोरलैंड कंपाइलर मींस बीसीसी कंपाइलर, बोरलैंड सी कंपाइलर, सेम प्रोग्राम का आउटपुट अगर आप बीसीसी कंपाइलर के अकॉर्डिंग चेक कराओगे इस केस में क्या आएगा,
फर्स्ट वन मीन्स सारे के सारे फंक्शंस लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होंगे, लेफ्ट टू राइट के अकॉर्डिंग सबसे पहले चांस किसको मिलेगा, M1 को पहले चांस मिलेगा तो डिस्प्ले भी क्या होगा, सबसे पहले मैसेज आएगा M1 कॉलिंग पेज पर रिटर्न हुआ एज 1, नेक्स्ट टाइम कॉल क्या हो रहा है M2 के अकॉर्डिंग मैसेज प्रिंट हुआ जाएगा M2 कॉलिंग प्लेस पर रिटर्न क्या होगा 2, मल्टीप्लाई M3 कॉल हो रहा है M3 से प्रिंट होगा मैसेज एज M3 देन कॉलिंग प्लेस पर रिप्लेस कराएंगे वैल्यू एज 3। फाइनली रिजल्ट अगर बात करें तो अभी भी रिजल्ट क्या आएगा ऑल्सो 7, एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या 7, लेकिन आउटपुट क्या है M1 M2 M3। फिर डिफरेंट कंपाइलर्स के केस में फंक्शंस को कॉल करने का सिक्वेंस सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, कैन नॉट से।